क्या बोला? शिव बाबा का रथ है, शिव बाबा के रथ को याद करते। हाँ आत्मा को देखते हो, देखते हो तो मानोगे कि नहीं मानोगे? तो ऐसे ही भगवान को मान लो। और बाबा, एक
हाँ 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 क्या वो राजयोग सीख करके राजा बनती हैं, सिर्फ प्रिंस प्रिंसेस बन के नहीं रह जाती हैं, लेकिन जो आत्माएं राजयोग तो सीखती हैं लेकिन राजा ही नहीं प्राप्त कर पाती हैं, माने फर्स्ट क्लास पास मार्क्स में नहीं आती हैं, ऐसी आत्माएं प्रिंस प्रिंसेस बन जाती हैं। कोई जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनती हैं और कोई लास्ट जन्म में जाके प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाती हैं। ऐसे टोटल मिलाकर के सत्युग के पहले जन्म से लेकर त्रेता के अंतिम जन्म तक 16,000 की माला तैयार होती है। और है सही स्थिति में हाँ शंकर विनाश करता ही नहीं, क्योंकि मुरली में बोला है अगर शंकर विनाश करे तो उसके ऊपर दोष आ जावे। शंकर तो निराकारी स्टेज वाला है और निराकारी स्टेज वाला जब संपन्न स्टेज में प्रत्यक्ष होगा तो वो तो प्यार का सागर के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा। वो कोई भी आत्मा को दुख देने के निमित्त नहीं बन सकता। हाँ जी हाँ, तो जो और आत्माएं हैं वो नंबरवार स्वस्थिति की स्टेज में है या 100% स्वस्थिति की स्टेज में होती हैं। हाँ, तो इसीलिए कमी आ जाती है। और हैं हैं हाँ, ब्रह्मा की रात में नहीं होती है, वो अंधेरे में अज्ञान अंधकार में नहीं होती है, क्या होती है ना, इसीलिए दिखाया गया। हाँ जी, जो भी द्वापर युग में देवताएं नीचे उतरते हैं, शरीर रूपी मूर्ति धारण करते हैं, तो वो अंधकार में होते हैं या उजाले में होते हैं? अज्ञान अंधकार में ही होते हैं, इसलिए तो नीचे उतरते हैं। और शास्त्रों में उसका गायन कृष्ण से कम है, सत्युग के कृष्ण का ज्यादा गायन है, तो संगम युगी कृष्ण जो है वो ही शंकर है, वो ही नारायण है, वो ही प्रजापिता है, इसलिए मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। तो नेक्स्ट टू गॉड एक होगा या चार चार होंगे, एक ही है, वो चार नाम दे दिए हैं काम के आधार पर, वास्तव में एक ही व्यक्तित्व है जो संगम की कृष्ण है, वो ही वास्तव में भगवान का साकार रूप है। और लगता क्यों नहीं है, अगर पाप नहीं लगता है फिर तो वो
सभी शक्तियां लक्ष्मी बन जानी चाहिए। पाप लगता है इसीलिए तो वो स्टेज नहीं प्राप्त होती है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी श्रृंगार का कार्य करती है क्या? तो महागौरी गाई हुई है, महाकाली श्रृंगार का कार्य ज्यादा करती है या गौरी श्रृंगार का कार्य करेगी? महाकाली श्रृंगार का कार्य ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है कि जो विकारी होते हैं वो ही श्रृंगार कर सकते हैं, निर्विकारी श्रृंगार का कार्य नहीं करेगा। विजयमाला श्रृंगार का कार्य करती है या रुद्रमाला श्रृंगार का कार्य करती है? विनाश ज्वाला कहाँ से प्रज्वलित हुई? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। और किसने विनाश कराया? निमित्त कौन बने? रुद्र भक्त। और लक्ष्मी को बाबा ने कितने को दिखाया है? लक्ष्मी को दिखाया कहाँ? लक्ष्मी को दिखाया। आप सामने खड़े हो जाइए, आप अपने हाथ में देखिए, आपके राइट हैंड में लक्ष्मी खड़ी है या लेफ्ट हैंड में खड़ी है? हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी, नहीं लक्ष्मी की ग्लानी है, नारायण की ग्लानी नहीं है। हाँ जी, जब प्रत्यक्षता होगी तो चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, वही विष्णु कहा जाएगा। विष्णु की जो ग्लानी की गई है उसमें नंबरवार चार आत्माएं दिखाई गई है, लेकिन वास्तव में ये हाथ जो हैं, ये हाथ जो हैं, इनमें एक राइटियस है और एक लेफ्टिस्ट है। भगवान जो कार्य कराना चाहता है राइटियस काम कराना चाहता है बच्चों से, या लेफ्टिस्ट काम भी कराना चाहता है? राइटियस काम कराना चाहता है, लेकिन लेफ्टिस्ट हाथ लेफ्टिस्ट कार्य करने के लिए बाध्य है। वास्तव में विष्णु के जो चार भुजाएं हैं वो चार आत्माओं की सूचक हैं, और उन चार आत्माओं को चलाने वाला जो है वो भुजाओं में नहीं बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? मस्तक में बैठा हुआ है, जिसे शिवशंकर भोलेनाथ कहा जाता है। वो सात्विक स्टेज वाली आत्मा तो ऊपर बैठी हुई है, वो अकेली है। भगवान एक को कहा जाता है, चार को नहीं कहा जाता। विष्णु भगवान नहीं है, शंकर भगवान नहीं है, ब्रह्मा भगवान नहीं है, कोई भी देवता भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ अकेला है, लक्ष्मी भी उसके साथ नहीं गाई जा सकती। जब कलंक धारण कर लिए तो संसार को कलंक दिखाई पड़ेंगे या नहीं दिखाई पड़ेंगे? दिखाई पड़ेंगे। वो कलंकी धरावतार जो गाया हुआ है शास्त्रों में, 24वां अवतार, वो मनुष्यों ने निर्धारण किया है या भगवान ने निर्धारण किया है, वो बात छोड़ दीजिए। और है समदर्शी, हाँ जी, है हाँ। और इन जनरल में ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया जो हवाई जहाज में घूमने का मौका मिले। हाँ सत्य घूमे साहब, हवाई जहाज में घूमेंगे, पर्सनल हवाई जहाज लेकर के, चिंता मत करो। और है
निर्माण हो गए हाँ मतलब एक जो आज भी जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो जनरल विमान में घूमते हैं या अपना पर्सनल विमान लेकर के घूमते हैं है? और बाप के तो सतयुग में सभी बच्चे यथा राजा तथा प्रजा सब स्पेशल है। एक एक के पास एक एक जहाज होगा और एक्सीडेंट प्रूफ और इशारे से चलने वाला, ऊं किया तो ऊपर गया, ऊं किया तो नीचे आया, यूं किया तो इधर गया, यूं किया तो इधर गया, बोलने की भी जरूरत नहीं। और बोलने में बोला है कोई आत्मा है जिसके दृष्टि चक्र में पता सब कम हो जाते हैं है? ब्रह्मा वाली आत्मा है 69 में शरीर छोड़ा, 69 में शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा 2018 तक उसको कोई अपना निर्धारित शरीर मिलता है क्या? कभी जगदम्बा के स्वरूप में, कभी जगत पिता के स्वरूप में, कभी रुद्रमाला के मणकों में, कभी विजयमाला के मणकों में भटकती रहती है ना। ठिकाना बुद्धि को स्पष्ट नहीं मिलता, जन्म मरण के चक्र में आती ही रहती है। समतत्व योग हाँ समत्व योग हाँ जी समत्व योग का मतलब है सब में समान भावना, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, किसी के प्रति विशेष प्यार नहीं, किसी के प्रति खास लगाव नहीं, उसको कहते हैं समत्व योग। और है परीक्षा में फरिश्ता दो तरह के होते हैं, एक शरीर छोड़ करके फरिश्ता, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं, तो रिश्ता शरीर में होता है या बिना शरीर के रिश्ता होता है? तो शरीर ही नहीं तो रिश्ता तो कोई तो बात ही खास बात नहीं। खास बात उनके लिए है कि जो शरीर में भी है और शरीर में होते हुए भी फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता निभाने वाले नहीं, वही समत्व योग वाली बात। सूक्ष्म शरीर में भी दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एक स्थिति है निराकारी स्थिति और एक स्थिति है आकारी स्थिति, माने कुछ न कुछ देहवान है। तो जो देहवान की स्टेज है वो संपन्न स्टेज नहीं है फरिश्ता की। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है वो आत्मा तो उसका रथ बदल जाता है। सतयुग का जो सातवां नारायण है, सातवीं नारायणी आठवीं नारायणी उसमें प्रवेश करता है, ग्रेड उतर गया नीचे, तो बहुत अंतर पड़ जाता है निराकारी स्टेज में और आकारी स्टेज में। और सूक्ष्म शरीर ही नहीं होता भान कहाँ से होगा? हाँ सूक्ष्म शरीर वो आत्माएं धारण करती है जो बहुत पाप करती है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं होता। संगम युग में ज्ञान गहराई तक जो आत्माएं नहीं पकड़ती है
उनकी अकाले मौत होती है। जैसे ब्रह्मा की अकाले मौत हुई, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों की अकाले मौत हो रही है। जो ज्ञान को पूरा पूरा गहराई तक धारण करती है वो पाप कर्म इतने जास्ती नहीं करती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर भी द्वापर युग में या कलयुग में धारण नहीं करती। इसलिए बोला है तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के। जो देवी देवता सनातन धर्म का पक्का होगा वो और धर्म में कन्वर्ट होकर के जा नहीं सकता। माँ का तो पार्ट है, सबसे प्रभावित होना, हर धर्म की आत्माओं से प्रभावित होती रहती है। और अरे तो रावण के सिरों में मुखिया कौन है? कैसे? अरे रावण के सिरों में मुखिया कौन दिखाया गया है? हाँ? रावण के 10 सिरों के ऊपर गधे का शीश दिखाया जाता है। वो पापों का भी बाप है। इसलिए जितने भी धर्म गुरु हुए हैं दुनिया में अपन को भगवान कहने वाले, शिवो हम ब्रह्मास्मि, प्रूफ कुछ भी नहीं, एविडेंस कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मान करके बैठ जाते हैं। क्या? मैं भगवान हूं। अब कृष्ण की आत्मा तो खास गीता का भगवान ही बन करके बैठ जाती है। तो मनुष्य गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ? मुरली ने पूछा है रावण कौन, तो जवाब भी दिया है ये मनुष्य गुरु, ये गुरु लो। तो मनुष्य गुरुओं में बड़े से बड़ा गुरु कौन हुआ है? जो बड़े से बड़ा गुरु हुआ वो ही रावण के जो 5 मुख हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उन 5 का बाप है। और बाबा ने आदि ब्रह्मा को रचा है। आदि ब्रह्मा जो है वो वास्तव में ब्राह्मण बनता है पहले, उसके लिए खास बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला वैश्य सो पहला शूद्र। आदि ब्रह्मा तब होता है जब शिव उसमें प्रवेश करता है। उससे पहले और किसी में प्रवेश नहीं किया, इसलिए आदि ब्रह्मा है। परंतु आदि ब्रह्मा को ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे, कहेंगे ब्राह्मण तो ब्रह्मा की औलाद कही जाती है। इसलिए जिस समय शिव प्रवेश करते हैं तो एक में नहीं प्रवेश करते, 2 होने चाहिए कम से कम। सृष्टि का कार्य करने के लिए, सृष्टि निर्माण के लिए एक से काम नहीं होगा, कम से कम 2 चाहिए। एक में प्रवेश करते हैं उसी सेकंड सुनने सुनाने का फाउंडेशन भक्ति मार्ग का डालने के लिए, और दूसरे में उसी समय प्रवेश करते हैं समझने और समझाने का फाउंडेशन डालने के लिए।
तीसरी आत्मा सुनती है, तीसरी आत्मा जो सुनती है वो मुख से बोल बल 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 बोलती नहीं है चारों तरफ। कोई भी बात सुनकर के मनन चिंतन मंथन करना चाहिए या जो सुना है वो फटाफट चारों तरफ बोल लेना चाहिए। तो तीसरी आत्मा धारणा शक्ति है, धारण करने वाली है, बल 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 बोलने वाली नहीं है, लंबी जीभ वाली। दुनिया में तो ये मान्यता है पंडित सोई जोई गाल बजाबा, बड़े बड़े भाषण करता हो, बड़ी बड़ी मजलिसें लगाता हो, समझते हैं ये बड़ा भारी विद्वान पंडित आचार्य है। बाबा कहते मैं बड़ी बड़ी मजलिस में नहीं आता हूं, मैं तो 1500 बच्चों के बीच में आकर के ज्ञान सुनाता हूं। तो ये अंतर पड़ जाता है बोलने वाली आत्मा और धारण करने वाली आत्मा। तो धारणा शक्ति विष्णु में दिखाई गई है, इसे वैष्णवी देवी भी कहा जाता है। बाबा एक मुद्दे में बोला है तू आगे एडोप्शन और इनके एडोप्शन। हाँ जी, इनकी माने ब्रह्मा, इनकी माने ब्रह्मा की एडॉप्शन है। वो सृष्टि के पहले पत्ते के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में, और तुम्हारी एडॉप्शन पहले पत्ते के रूप में नहीं है, बीज के रूप में है। तुम हो सारी सृष्टि के बीज, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज। तो अंतर हो जाता है। अच्छा, अगर जाती है तो सेकंड में जाती है तो 5-10 साल में 1 सेकंड कम हो जाएगा। माना आपका मतलब ये है कि प्रजापिता वाली आत्मा जो चोटी का पार्ट बजाने वाली है पुरुषार्थ में, वो अभी 1 सेकंड नहीं जाती। अरे हर आत्मा अनुभव करती है 1 सेकंड परम धाम जाने का या नहीं, तो प्रजापिता वाली नहीं जाती है। चुप क्यों हो गए? हाँ ना तो करो। हाँ जी और एक मिनट है हाँ सिख धर्म की आत्मा नहीं थी है? बौद्ध धर्म की आत्मा थी। एक एडवांस पार्टी की जब शुरुआत हुई तो देवता धर्म का बीज था, इस्लाम धर्म का बीज था, बौद्ध धर्म का बीज था और क्रिश्चियन धर्म का बीज था। चार मुख्य बीज तो बताए ना, नहीं बताए? तो चार मुख्य बीजों में से उनके सहयोगी धर्म बाद में निकलते हैं या नहीं निकलते हैं? निकलते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है वो ऐसा भारतीय धर्म है जहां से भारतीय धर्मों की ट्यूब्स भी निकलती हैं। ऐसे नहीं कि संन्यास धर्म बाद में आया, नहीं,
बौद्धियों में सबसे पहले सन्यासी हुए। सन्यास धर्म बाद में निकली हुई ट्यूब है। सन्यास धर्म का जो गुण धर्म है वो बौद्धियों में भी समाया हुआ है, और सिख धर्म का भी गुण धर्म, सिखों में भी सन्यासी होते हैं, वो भी गुण धर्म उनमें समाया हुआ है बौद्धियों में। इसलिए बोला है हर धर्म वाले की शिकल अलग अलग होती है, है? सिखों का गायन इसलिए होता है कि और धर्म वालों के बीच में सिर्फ सिख धर्म वाले ही हैं जिन्होंने ईश्वरीय कार्य में विशेष सहयोग दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे जास्ती बलिदान सिख धर्म वालों ने दिए है। इसलिए सिखों की संख्या थोड़े होते हुए भी सिर्फ पंजाब पंजाब में सिख गए हुए हैं, उनको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए कहावत है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। बौद्ध धर्म तो वास्तव में आज में ही खलास हो गया, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग को नकार दिया। बौद्ध स्तूपों में बुद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां इकट्ठे रहने लगे, उनका अलगाव नहीं किया और व्यभिचार फैल गया। उस व्यभिचार दोष के कारण उनकी सारी शक्ति शुरुआत में छीन हो गई। एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो पावरफुल धर्म होते हुए भी, मुख्य धर्म होते हुए भी, मुख्य धर्मों की श्रेणी में होते हुए भी उनकी राजाई ना के मात्र रह गई दुनिया में। हाँ छोटी मम्मी को, छोटी मम्मी को आह्वान किया जाए। हाँ मन आत्मा को कहा जाता है, आत्मा परिपक्व बन जाए तभी तो उसमें इतनी ताकत आएगी कि मनसा से ही सारा कार्य करता रहे, बोलने की भी दरकार न पड़े, देखने की भी दरकार न पड़े, कर्म इंद्रियों से कर्म करने की भी दरकार न पड़े। उसे कहते हैं संकल्प सिद्धि। जिसको संकल्प सिद्धि हो जाएगी उसको और क्या चाहिए, तो संपूर्णता की स्टेज है। और यज्ञ माता ही आदि ब्रह्म है, ब्रह्मा है ब्रह्मा की मूर्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी, जगदम्बा की मूर्ति की प्रत्यक्षता होगी। ब्रह्मा के रूप में नहीं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती। हाँ जी, जो दादा लेखराज के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा है वो तो वास्तव में उस समय वो चित्र में चित्रित कर दिया गया है।
किस समय? जब चित्र बनाया गया। और जब चित्र बनाया गया वो आदि ब्रह्मा था ही नहीं, इसलिए चित्र रखने से कोई फायदा ही नहीं। तो वास्तव में आदि ब्रह्मा तो उसे कहें जो मुरली में बैला बोला है, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो पहले पहले किस में प्रवेश किया? यज्ञ माता में नहीं। बुद्धि का बैलेंस जो है एक तरफ चला जाता है। जब सच्ची की फाउंडेशन डालने की प्रक्रिया होती है तो एक होता है या दो होते हैं? तो एक बुद्धि में क्यों बैठ गया तुमको? तुम्हारी बुद्धि में एक क्यों बैठ गया? इसलिए बता दिया कि ब्रह्मा आदि ब्रह्मा जब कहेंगे तो दो हैं, एक है स्त्री चोले के रूप में और एक है पुरुष चोले के रूप में, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तब स्थापना का कार्य होता है। और हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ब्रह्मा जो है वो वास्तव में यज्ञ के आज में किससे पैदा हुआ? नहीं, दादा लेखराज ब्रह्मा जो कार्य के आधार पर ब्रह्मा साबित होता है। क्या? जगदम्बा कार्य के आधार पर ब्रह्मा साबित नहीं होती। जगदम्बा का आदि रूप वो भी नहीं साबित होता। बड़ी माँ का जो बड़ा कार्य है वो है सहन शक्ति। वो सहन शक्ति की धारणा दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल के द्वारा होती है, और ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में तब प्रत्यक्ष होता है जब जो तीसरी आत्मा थी, कौन? वैष्णवी शक्ति, धारणा वाली, धारणा की मूर्ति, उसने वो फाउंडेशन डाला तो ब्रह्मा पैदा हुआ दादा लेखराज के रूप में। इसलिए विष्णु से ब्रह्मा निकला, और ब्रह्मा जब संपन्न बनेगा किस रूप में? जगदम्बा के रूप में, जिसकी पूजा होगी तब जगदम्बा से कौन ज्ञान लेगा? है विष्णु ज्ञान लेगा। ब्रह्मा की नाभि अलग और विष्णु की नाभि अलग। हाँ, मुरली में बोला है विष्णु की चार भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा के साथ सरस्वती और शंकर के साथ पार्वती। तो जो चार भुजाएं हैं उनको और रूप में भी दिखाया है। नीचे जो त्रिमूर्ति का चित्र है उसमें चार नाम दिए हुए हैं, विष्णु के नीचे लक्ष्मी नारायण और राम सीता। मम्मा का नाम क्यों हटा दिया? है ब्रह्मा के साथ सरस्वती,
लेकिन विष्णु के नीचे जो चार नाम दिए हुए हैं उसमें मम्मा का नाम नहीं दिया, क्योंकि मम्मा महालक्ष्मी में ऐड हो जाती है। असली देवी तो मम्मा ही की आत्मा है, बाकी जो नौ देवियां हैं वो तो एक तरह से डब्बा हैं। उनमें प्रवेश करके मूल पार्ट बजाने वाली देवी कौन है? मम्मा। इसलिए पांच आत्माएं हैं। यज्ञ के आदि में आदि पिता के साथ आदि माता दो, और ब्रह्मा के साथ सरस्वती। और ब्रह्मा को जन्म किसने दिया? निश्चय किसने बैठाया? नहीं, यज्ञ के आदि में दो आत्माएं थी प्रजापिता के अलावा, एक बड़ी माता और एक छोटी माता। तो जो छोटी माता थी वो धारणा शक्ति वाली थी। जो धारणावान व्यक्ति होता है वो धारणावान को पसंद करता है या बोल बोल वाले को ज्यादा पसंद करता है? बोल बोल वाले के प्रभाव में आ सकता है लेकिन पसंद नहीं करता है। तो ब्रह्मा का निश्चय हुआ है वैष्णवी देवी के आधार पर, इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। और ब्रह्मा जब परिपूर्ण बन जाएगा जगदम्बा के द्वारा, तब ब्रह्मा से ज्ञान कौन लेगा? वैष्णु। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये शास्त्रों में गए ने। हो गई ना पांच आत्माएं। अरे एक प्रजापिता, दूसरी प्रजा माता, तीसरा दादा लेखराज, चौथा मम्मा, और दादा लेखराज को ब्रह्मा के रूप में जन्म किसने दिया? वैष्णवी। तो पांच आत्माएं हो गई। पांच आत्माओं में जो विष्णु चतुर्भुज में चार आयुध चार हाथों में दिखाए गए हैं, उनमें एक है शंख। चारों तरफ शंखनाद कर दे, सत्यता की आवाज फैला दे। वो सत्यता की आवाज प्योरिटी के आधार पर फैलेगी या इम्प्योरिटी के आधार पर फैलेगी? वो कौन शक्ति है? वैष्णवी। तो विष्णु की बाई भुजा में शंख दिखाया गया है, ऊपर की भुजा में, और जो दाई ओर की ऊपर की भुजा है उसमें चक्र दिखाया है। ज्ञान का चक्र घुमाने का फाउंडेशन डालने वाली आत्मा कौन है यज्ञ में? है ओमरादि मम्मा। जो मूल चक्र है कि आत्मा ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु है। ये मनन चिंतन मंथन का फाउंडेशन किसने डाला? मम्मा ने डाला। इसी बात पर तो सारा पुरुषार्थ का मदार है। तो चक्र दिखाया गया, फिर गदा दिखाया गया। कौन सी आत्मा है जो तलवार की धार के मुआफिक काट नहीं करती है? जैसे गदा तोड़ फोड़ कर देता है हड्डियों की, ऐसे तोड़ फोड़ कर देती है, वो कौन सी आत्मा है? तलवार की धार की तरह तीव्र बुद्धि, तीखी बुद्धि नहीं है, मोटी मार मारता है। गायन है ना, सौ सुनार की एक एक लोहार की, धन चलाता है। कहां भीम की बुद्धि,
और कहां अर्जुन की बुद्धि? अंतर तो होता है ना। तो दादा लेखराज ब्रह्मा को गदा दिखाया गया, वो निचला हाथ है और चौथा हाथ है बाईं ओर, लेकिन निचला हाथ भी है, बायां हाथ भी है। उसमें कौन सा आयुध है? कमल का फूल। वो कमल के फूल के रूप में कीचड़ की घर गृहस्थ की दुनिया में रहती है, पार्ट बजाती है, लेकिन मन बुद्धि कहाँ लगी रहती है? है एक बाप में लगी रहती है। इसलिए चित्र में भी दिखाया हुआ है, जगदम्बा जब तामसी बनती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो महाकाली के सर के ऊपर शंकर का चित्र दिखाया है। मस्तक में चंद्रमा दिखाया है, ब्रकुटी में खड़ा हुआ तीसरा नेत्र दिखाया है। तो साबित हो जाता है कि वो ऐसी पावरफुल शक्ति है जो बल कीचड़ की दुनिया में शरीर से रहती है, शरीर की कर्म इंद्रियों से पार्ट भी बजाती है, लेकिन बुद्धि से उपराम रहती है। इसलिए कमल फूल समान जीवन दिखाया गया है। जगदम्बा का यादगार है। और पांचवी आत्मा राम बाप। वो राम बाप वो आत्मा है जिसको शिव आकर के पहले पहले आप समान बनाता है। आप समान बना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। तो बौद्धिक शक्ति के द्वारा चारों भुजाओं का संचालन होता है, जो अव्यक्तवाणी में बोला है ब्रह्मा की हजार भुजाएं गाई हुई है। हजार भुजाएं इस समय सहयोगी तो है ना, प्रैक्टिकल में हजार भुजाओं को चलाने वाला है तब तो भुजाएं काम करती हैं। चलाने ही वाला नहीं होगा तो भुजाएं कैसे चलेंगी? तो बाप है, बाप चलाने वाला है, और हजार भुजाएं बाप का सहयोग करने वाली है। ये प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है। बल ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो भी मुकर्रर रथ के रूप में ये पार्ट चालू है। और एक मिनट, हाँ जी, तो फिर है मैं कन्या के तन में प्रवेश नहीं करता हूँ। मम्मा माने वर्तमान की मम्मा या आज की मम्मा? कौन सी मम्मा की बात कर रहे हैं? सन 65-66 के बाद कन्या नहीं थी? हैं? हैं? कब तक कन्या थी? शरीर 66 में छोड़ दिया मम्मा ने, शरीर छोड़ दिया 66 में। तो मम्मा जो है वो तो कन्या की कन्या ही रही, लेकिन टाइटल उनको क्या दे दिया बाबा ने? है नहीं टाइटल दिया जगदम्बा। मम्मा को जगदम्बा का टाइटल दिया या नहीं दिया? है, है? वो तो आप एडवांस में आए हैं तब आपने जाना है। बेसिक वाले इस बात को थोड़े ही मानते हैं कि आज में कोई जगदम्बा अलग थी।
आपको बताया गया कि मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले कोई बच्चे थे, ये मुरली में बोला है, मुरली में ये प्रूफ मिल रहा है, तो आपने जान लिया कि आज में भी जगदम्बा थी। और जब वो जगदम्बा प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली मूल पार्टधारी जगदम्बा चली गई तो मम्मा निमित्त बनी। जैसे प्रिंसिपल इस कॉलेज में से चला जाता है छुट्टी पर तो वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है, ऐसे यज्ञ के आदि में प्रजापिता चला गया तो दादा लेखराज ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिल गया, ऐसे ही मम्मा को भी जगदम्बा का टाइटल मिल गया। बल मम्मा कन्या थी तो भी जगदम्बा का टाइटल मिल गया। और बाबा बोलते हैं ना हमारी टीम मौत से नहीं आकर, हाँ जी तो बड़ी बच्चन का कुछ प्रतिक्रमा है, हाँ वो तो बाकी है तो उनको ज्ञान बांटते हुए दिखाते, हाँ क्या उस समय बाबा ये बात करना ज्ञान देना बंद कर। एक ज्ञानी होता है बोल बोल करके ज्ञान सुनाता है, उसे ज्ञानी कहते हैं ना, और एक ज्ञानी वैसा होता है बोल बोल नहीं करता है लेकिन उसका प्रैक्टिकल एक्ट इंद्रियों का वो ही ज्ञान सुनाता है। माने जीवन में किए हुए जो प्रैक्टिकल कर्म है उन कर्मों से ही आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं और उनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है, वो समझती हैं ऐसा ही कार्य हमको करना चाहिए। तो ज्ञान का उद्देश्य क्या है? बोल बोल करना सीखना और सिखाना ये उद्देश्य है, या प्रैक्टिकल कर्मों में परिवर्तन लाना ये उद्देश्य है? वो रावण का ज्ञान कहा जाता है जो बोल बोल तो करता है लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में पराई स्त्री को चुराने का धंधा करता है, तो बहुत अंतर पड़ जाता है। और दुनिया जो है बोल बोल से परिवर्तन होगी या प्रैक्टिकल एक्ट से परिवर्तन होगी? हाँ है क्या मैंने बाबा के अंदर तो प्रवेश करते हैं हाँ। परिवर्तन नहीं कर पाते लेकिन वैष्णव देवी का अंदर जिसमें तो प्रवेश नहीं करते लेकिन परिवर्तन करते तो परिवर्तन शिव नहीं करते हैं, वो परिवर्तन शक्ति पहले से ही है, 63 जन्मों का संस्कार भरा हुआ है प्योरिटी का, वो प्योरिटी का संस्कार ज्ञान का एडवांस ज्ञान का बीज पढ़ते ही परिवर्तन करना शुरू कर देता है। जन्म जन्म लगी रगरे हमारी बरों शंभु नतु रहो कुमारी। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई ऐसा भी तो पार्टधारी होना चाहिए जो 84 जन्मों में सिर्फ शरीर के द्वारा एक के साथ ही संबंध जोड़ता हो इंद्रियों का, किसी दूसरे के साथ इंद्रियों का संबंध न जोड़ता हो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अगर ऐसी आत्मा कोई है पावरफुल प्योरिटी वाली तो उसको ज्ञान सुनने की दरकार है, इसलिए रुद्रमाला के लिए पूरा ज्ञान है। रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, ढेर की ढेर रानियां रखते हैं, ढेर का ढेर पतित होते हैं। इन पतित आत्माओं के लिए ये एडवांस ज्ञान है, इतना ज्ञान का विस्तार है। जो पवित्र रहने वाली जन्म जन्मांतर की आत्मा है उसके लिए ज्ञान जल की दरकार नहीं है। ज्यादा गंदा कपड़ा होता है तो उसको ज्यादा जल चाहिए,
कपड़े में गंदगी है ही नहीं, तो ढेर सारा पानी बहाने से फायदा है ही नहीं। और बाबा जैसे कोई माता होती है ना, देव से अधिक संबंध रखते हैं, तो वो क्या आश्रय में आवश्यक है? जैसे बेटी है उसके बाबा कहते हैं अगर वो ध्यान में चलते हैं तो उसे उसके में आ सकते हैं। दुनियावी वैश्याओं की बात नहीं की है बाबा ने, ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसी वैश्याएं हैं और आगे चलकर वो प्रत्यक्ष हो जाएंगी। जिनके मुरली मुरली में बोला है इन वैश्याओं के अड्डे सरकार इकट्ठे कर देगी। इनको एक जगह बैठा दिया जाएगा। ये ज्ञान सुनाने का ढकोसला करती है, ज्ञान नहीं सुनाती है, ये गणिका का पाठ बजाती है। गणिका शब्द का अर्थ ही है गायन करने वाला, सिर्फ मुख से गायन करता है भगवान का, लेकिन एक्ट एक्ट व्यभिचारियों की करता है। भगवान का बन के नहीं रहता, किसका बन के रहता है? देहधारियों का बन के रह जाता है। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी है, आश्रम खोल के बैठी है, भगवान की महिमा सुना रही है और इंद्रियों का संबंध किसी व्यक्ति से जुड़ गया, उसके कंट्रोल में चल रही है, किसी व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ एक के कंट्रोल में है। दुनिया वालों को भगवान का ज्ञान सुनाती है, भगवान के बनो भगवान के बनो, खुद देहदारी की बन के रही पड़ी है या भगवान की रही पड़ी है? तो वैश्या कही जाएगी या सधवा कही जाएगी? वैश्या होगी। और हाँ हमको सुरक्षित बना देता है। कैसे सुरक्षित बना देता है? ये ज्ञान परिचय देता है कौन रावण संप्रदाय है और कौन राम संप्रदाय है। बाबा के एक महावाक्य से ही बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। बाबा बोलते हैं जो हमारे कुल का होगा उनको दो शब्द सुना देंगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा। उनके पीछे ज्यादा पढ़ने की दरकार है ही नहीं।
हम बार बार उनको सुनाते हैं, बार बार खींचने की कोशिश करते हैं, बार बार वो हमको ठुकराते हैं, तो समझ लेना चाहिए ना ये कौन से संप्रदाय है, है? हाथ उठा दिए, अच्छा अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। है इसका रहस्य ये है कि शंकर के लिए गायन है शंकर द्वारा, क्या शंकर द्वारा बिना, इतना बड़ा मर्तबा मिला हुआ है, इतना बड़ा काम, जो दुनिया के इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं क्राइस्ट जैसे 200 करोड़ क्रिश्चियंस के धर्म पिता कहे जाते हैं, वो बड़े बड़े धर्म पिताएं वो कार्य नहीं कर सके, दुनिया की पुरानी परंपराओं का विनाश, पुरानी कुरीतियों का विनाश, पुराने चलते आए तामसी ज्ञान का विनाश नहीं कर सके, असुरों का विनाश नहीं कर सके, आसुरी संसार का विनाश नहीं कर सके, और वो कार्य का तमंगा किसको मिल गया, शंकर को मिला हुआ। तो इतना बड़ा तमंगा मिला हुआ है और वो अंदर से जानता है कि मैं ऐसा डिस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं करता हूं, मेरे द्वारा तो शिव बाप जो पार्ट बजाते हैं वो प्यार के सागर का पार्ट बजाते हैं या धर्मराज का पार्ट बजाते हैं, प्यार के सागर का पार्ट बजाते हैं, फिर भी वो तमंगा मिला हुआ है शंकर द्वारा विनाश। और ये भी अंदर से जानता है ये विनाश का कार्य तो शक्तियों के द्वारा होता है, शंकर स्वयं ये विनाश नहीं करता। आज भी मुरली में क्या आया, शंकर के द्वारा विनाश नहीं होता है, शक्तियों द्वारा विनाश गाया हुआ है। एक मिनट रुको, धीरज धर मनुआ, उठ के भाग नहीं जाऊंगा, शक्तियों द्वारा ये गायन है असुर संघारिणी।